जय माता दी। कैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं पितृदोष से बचने के 11 उपाय। आजकल की दुनिया में हर एक के घर में आपको पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर किसी अच्छे ज्योतिष पंडित से आप विचार कराएंगे तो आपको वो बताएंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण आपकी बहुत सारी उन्नतियां रुकी हुई हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपके घर में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपके घर में कलेश हो रहा हो, पैसा ना आ रहा हो, कारोबार रुक गया हो या फिर अन्य किसी भी तरीके की झकझक हो रही हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने चैनल को जरूर देखिए और समझिए कि पितृ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जिस तरीके से देवी देवता इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से पितृ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पितृ क्या होते हैं। पितृ वे होते हैं जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, जो हमारे से पूर्व हमारे घर को चला रहे थे या कहें कि हमारे परिवार को चला रहे थे, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका अगर दाह संस्कार या किसी कारण से अकाल मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारण से वो प्रसन्न ना हो तो उसे पितृदोष कहते हैं। यह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से दिखाई देता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। आपको इसके अलावा अगर आप किसी के पास नहीं भी जा सकते दिखाने के लिए, आप विश्वास नहीं भी करते, तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस पर विश्वास कीजिए। पर हाँ, दो तीन बातें आप ज़रूर देख सकते हैं। जैसे आपके घर में छोटी छोटी बात पर कलेश होना, विवाद हो जाना और आपसी रंजिश हो जाना, ये बहुत नॉर्मल बात होगी। इसी प्रकार से यदि दोस्तों आपके घर में बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हों, एक दूसरे को समझने में असफल हो जाते हों, तो आप समझिए कि पितृदोष है। इसी प्रकार से यदि आपका चलता हुआ कारोबार बहुत ऊंचाइयों पर जाने के बाद अचानक से ठप पड़ जाए तो आप समझिएगा ये पितृदोष है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपके घर में अगर शादी ब्याह आप करवाते हैं और उसमें पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं होती, यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ, सफलता का मतलब है कि शादी में खुशी ना प्राप्त होना, या बेटी जिस घर में जाए वहाँ पर वो सुखी ना रहे, या जिस घर में बेटी आए उस घर में दुख हो जाना, ये इत्यादि इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पितृदोष के अंतर्गत आती हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे भी पितृदोष होते हैं जिनके लिए आपने कभी सोचा भी ना हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पितृदोष आपके घर में बने हों। तो दोस्तों, आप करना क्या है, पितृदोष तो है और ज़्यादातर सभी कुंडलियों में पाया जाता है, तो दोस्तों अब करें क्या। आपके घर में बीमारी भी लगी हुई है, कर्जा भी चढ़ता जा रहा है, लोगों से बन भी नहीं रही है, पड़ोसी भी आपको अच्छे नहीं लगते या पड़ोसी को आप नहीं अच्छे लगते, इत्यादि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण से आपका जीना मुश्किल होता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि मुश्किल हो चुका है, पर हाँ मुश्किल होता जा रहा हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, अब जो मैं आपको 11 उपाय बताने जा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए और कीजिए, तो मेरे माता रानी की कृपा से आपको जरूर जरूर फायदा पहुँचेगा, मैं ऐसा आशा करते हुए अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय, कुंडली में यदि पितृदोष बना रहे तो जब तक जातक को घर की दक्षिण दिशा में किसी दीवार पर स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर रोजाना संभव हो सके तो हार पूजा स्तुति करनी चाहिए, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे भी कहा गया है दोस्तों, यदि आप किसी को प्रेम से अगर बोल दीजिए, चाहे कितना भी गुस्सा करने वाला आदमी हो, तो वो अगर आपके स्नेह से पिघल सकता है ना कि गुस्से से, तो वो तो आपके पूर्वज हैं, इसलिए आप उनका नित पूजन करें, नित ध्यान करें, दक्षिण में उनकी फोटोग्राफ लगाएं, तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय दोस्तों, अपने स्वर्गीय परिजनों के निवारण तिथि पर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, उनका जो एक तिथि निकल के आती है वो आप पंडित लोगों से मालूम कर सकते हैं, पर जरूरतमंद से अथवा गुणी ब्राह्मणों को यदि आप भोजन कराएंगे तो आपको अवश्य ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वस्तुओं की प्राप्ति होगी जो आपने कभी कल्पना की थी और वो मिलने में बाधाएं आ रही हैं। नंबर 3 उपाय, इसी दिन अगर हो सके तो अपने समय अनुसार गरीबों को वस्त्र अन्न आदि दान करें तो भी ये दोष मिट जाता है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। चौथा उपाय है, पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल पुष्प अक्षत दूध गंगा जल काले तिल चढ़ाएं
और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपके रुष्ट जो पूर्वज हैं वो मान जाएंगे। पांचवा उपाय, शाम के समय में दीपक जलाएं और नाग स्रोत, मृत्युंजय मंत्र या रुद्राक्ष का रुद्र सूत्र या पितृ स्रोत्र या नव स्रोत्र का पाठ करें, इससे भी आपके पितृदोष में शांति प्राप्त होगी। छठा उपाय, सोमवार प्रातः काल में स्नान करके नंगे पैरों से शिवजी के मंदिर में जाकर 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बेलपत्र के साथ शिवजी की पूजा करने पर, यह 21 सोमवार तक करने पर आपको पितृदोष का निवारण प्राप्त होगा। सातवां उपाय, प्रतिदिन इष्ट का व केवल देवता का पूजन करने से पितृदोष का समापन हो जाता है। आठवां उपाय, कुंडली में पितृदोष होने पर किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं या बीमार की सहायता करें तो लाभ प्राप्त होगा। नवा उपाय, ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मियों में पानी पिलाने के लिए कुआं खुदवाना या राहगीर को शीतल जल पिलाने से भी आपको पितृदोष से निवारण मिलता है। दसवां उपाय, पीपल पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। ग्यारहवां उपाय, पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने पर, दिव्यांग परिजनों के नाम पर अस्पताल वगैरह बनवाने पर, मंदिर, विद्यालय, धर्मस्थल इत्यादि को बनाने पर भी लाभ होता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो की जल्द से जल्द जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन बेल को अवश्य प्रेस करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।